हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 161 का पहला पार्ट, तो देखते हैं भाई, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्लाश की तरह लग रही है। अब सोचने लगा। नहीं समझ पाए कि शिव से प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है, और कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। हाँ, इतनी सी बात को लेकर ही समझ में आई है। वाली बात सही हो। अब मैं ऐसे क्यों देखती हूँ? हमने बिच्छू के डंक को सहन कर लिया है। देखिए, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और जो दर्द हमने दिए, सभी तो सहन कर लिया ना तुमने। ओए ओए ओए, क्या बात बोल रही। हम सब जान चुके, हमारे मना करने पर भी तुम्हें महादेव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी चीजें समझ। कोई नहीं रोक सकता। नो नो, तुम महादेव से विवाह कर लो। इधर से खुली छुट्टी है। तो ये मसला भी आ गया। क्या महादेव के साथ सुखी रह पाओगी? हमारा सुख और महादेव के साथ। हमारा तो जन्म ही महादेव से विवाह हेतु हुआ। निसंदेह देवी पार्वती सती का पुनर्जन्म है, किंतु वो सती नहीं है। आप भूल रहे हैं नारायण, जैसे आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया था, वैसे ही पार्वती ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। और मनुष्य का तो जन्म भी अशुद्धियों के साथ होता है। ये आगे मामला खराब है। और उन्हीं अशुद्धियों को हटाने के लिए सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो फिर पार्वती अपने मनुष्य रूपी शरीर से अपनी अशुद्धियों को कैसे दूर रख पाएगी? नारायण, मैं कैसे मालूम नारायण, पार्वती का परिणाम सती से अलग होगा। यदि ऐसा हुआ तो इस बार उस पीड़ा की आग में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होना पड़ेगा। पिछली दफा तो कुछ काम स्लो था। पता है, अच्छा यही है कि पार्वती मुझसे दूर ही रहे। महादेव, मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, आप अपने मन से ये भ्रम हटा दीजिए कि देवी पार्वती सती जैसी हैं। सही बात। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती पूर्ण रूप से दोषों से मुक्त है। और आपके योग्य हैं। वो संसार के पालक है, इनकी कोई विवाद मिथ्या नहीं हो सकती। संसार को चलाने के लिए ही शिव और आदि शक्ति को हर बार दुख उठाना पड़ता है नंदी। संसार को चलाने के हेतु ही मेरा विवाह सती से करवाया गया था, और संसार को चलाने के लिए कामदेव को मेरे सम्मुख भेजा गया। के वध के हेतु आपके लिए मेरा और पार्वती का विवाह आवश्यक है नारायण।
परंतु मेरे लिए आवश्यक है केवल और केवल पार्वती को इस दुख से दूर रखना। सती के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं। बहुत मुश्किल है भाई। स्वयं आदि शक्ति भी आके मुझसे कहेंगे तो भी मैं पार्वती को आप देवी पार्वती को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक अवसर तो दे महादेव। यदि पार्वती ने अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास किया तो मैं उसका हर प्रयास विफल कर दूंगा। नहीं होने देंगे। पार्वती अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाएगी। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही महादेव। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि देवी पार्वती आपके द्वारा उत्पन्न किए गए सभी व्यवधानों के बाद भी अपने आप को आपके योग्य सिद्ध करने में सफल होंगी। ओहो, चैलेंज हो गए हैं भाई। अशुद्धियों के साथ महादेव को पाना संभव नहीं है। यदि आप महादेव को पाना चाहती हैं तो सर्वप्रथम इन अशुद्धियों को दूर करना होगा। इस प्रकार भोजन की अशुद्धियां आग में पककर दूर होती हैं, शरीर की अशुद्धियां तपस्या की आग में जलकर दूर होती हैं। 16 अशुद्धियां अर्थात 16 प्रकार की तपस्या है। किंतु ये तपस्या है बहुत कठिन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएंगी कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी। क्या बात है माते, आप महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगी ना? आगे इंटरेस्टिंग। ये काम हो क्या हुआ माते, आपने मेरे किसी बात का उत्तर नहीं दिया। आप समझ रही हैं ना
मैं क्या कह रहा हूँ? समझता हूँ बालपन से ही कहते देव ऋषि कि हमारा जन्म महादेव के लिए ही हुआ है। ऋषि दधीचि और ऋषि मार्कंडेय ने भी सदैव हमें यही सिखाया कि महादेव ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। किंतु बालपन से जो हमें बताया गया और जो हमने प्रत्यक्ष देखा से कोई मेल नहीं था। उन्होंने इतनी सरलता से कह दिया कि हमारा और उनका कोई संबंध नहीं है। इजी होगा माते, ऐसा मत कहिए। वो वही है जो आपके मन में बसते हैं। आपका और महादेव का मिलन दृष्टि के लिए अति आवश्यक है। आपको सृष्टि की चिंता है और हमारे दुख का कोई भान नहीं। महादेव की अस्वीकृति के कारण पार्वती जी तो काफी भाई एक बार तो परेशान हो गई हैं। जो एक उनको बड़ा एक मुश्किल मरहला जो ख्वाब आया ना, वो भाई एक बार से शिव सती वाला वो काफी खतरनाक था। लेकिन ये है कि भाई अब विष्णु जी ने तो एक काफी ट्राई किया, कर्मा देव जी को बताया चीजें, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि अगर वो प्रयास करती हैं या कुछ ऐसा करती हैं तो वो विफल हो जाएगा। क्योंकि बात इसके पीछे रीजन यही है कि पहले भी जो कुछ हुआ है उसको लेकर काफ़ी भाई दिक्कतें आई, तभी तो महादेव जी भी चाहते हैं कि दोबारा ये ना हो। आखिर पहले भी आदि शक्ति जी ने जो एक जन्म लिया था वो मनुष्य के रूप में लिया था, तो अब फिर मनुष्य के रूप में लिया तो अब फिर दिक्कत काफ़ी आई। महादेव जी वजह से यह है कि मनुष्य का जो जन्म होता है ना वो होते ही ऐसे ही है, मतलब कि उनको एक तकलीफें सहनी पड़ती हैं और जब वो तकलीफें नहीं सह पाते या बर्दाश्त उनसे नहीं होती तो वो अपने आप को एक खत्म कर देते हैं। जैसे कि सती जी ने किया था। तो महादेव जी भी एक पॉइंट पर ठीक है, लेकिन महादेव जी ने भी भाई अब चैलेंज कर दिया कि जो भी वो चीजें एक पार्वती जी करेंगी मैं नहीं करने दूंगा चाहे जो भी हो जाए। लेकिन वो भी ठीक बात है, अब देखो भाई कैसे ये चीजें। दूसरी तरफ सबसे बड़ा मसला जो है ना वो मैनावती का था, वो भाई इस चीज के ऊपर एग्री हो गई है कि ठीक है आप जिस तरह जो कि हमें एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा था वो तो एक लम्हे के लिए जो है ना वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब दूसरी तरफ जो एक कन्वर्सेशन हुई है ना भाई विष्णु जी और महादेव जी, वो एक मतलब ना एक तरह कह लें कि बहुत एक ख़तरनाक किस्म की है। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि भाई आपने पहले भी इसी तरह सभी ने मिल मिला के ये काम किया था और उसका जो है ना वो शिकार सती हुई। अब उसके बाद फिर जो है ना वो कामदेव के साथ भी यही मामला हुआ, लिहाजा ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुश्किल हैं। आप अगर कोई इस तरह का सीन आप क्रिएट करते हैं तो कोई चीज़ नहीं बचनी, पहले तो भी कुछ चीज़ें बेहतर होगी थी। लेकिन ये कि आप देखो आगे भाई नारद जी आ तो गए हैं और उम्मीद है कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन ये कि महादेव जी अभी उसी हालत में गुस्से में बिल्कुल कोई शक नहीं। बाकी आगे देखते हैं, उम्मीद तो है चीज़ें ठीक होगी। अब तपस्या के बारे में नारद जी ने बताया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।